ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नए वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। जैसे कि गाइस आपने देखा होगा थंबनेल में, मैंने आपको बताया, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाला हूं इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो आप लोगों को अगर ना आप लोगों को वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना है एंड जो भी स्टॉक वगैरह होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर लेना या फिर आप मेरे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मैं दोनों जगह आपको बैकग्राउंड पेजेस दे दूंगा, सब लोग डाउनलोड कर लेना। एंड आप लोगों को जो है वीडियो में जो भी चीजें मैं बताऊंगा आपको एकदम सेम टू सेम देखना है एंड पहले उसके बाद समझना है, फिर जाके एडिटिंग करने जाना है। ठीक है, पहले आपको देख के समझ लेना है एंड देन उसके बाद एडिटिंग करना है। अब गाइस देखिए वीडियो को लाइक कर देना, आप ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोगों को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है एंड जो इसमें जो है मैंने सब कुछ पहले से एडिट करके रखा गया हैंड वगैरह, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें। तो आपको मेरे यहाँ से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद आपको सिंपली चले जाना ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस यहाँ पे आप जैसे ही अपने मॉडल को ऐड करोगे तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे सिंपली अपने मॉडल को इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर देना है, साइड में इस तरीके से रखना है। ठीक है, आप गाइस यहाँ पे कुछ भी चीज़ लेके आप टेंशन मत लेना गाइस। ठीक है, यहाँ पे आपको एकदम ईजी स्टेप में समझाऊंगा मैं, तो आप लोग ध्यान से देखते रहना। अब देखिए गाइस यहाँ पे इतना रकम जब आप कर लोगे तो आपको इसकी ओपेसिटी कम करनी है एंड ओपेसिटी कम करने के बाद आपको जो है यहाँ से जो मतलब कि रेजर है इसका हार्डनेस फुल कर लेना है एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है एंड फोटो को जो है कुछ इस टाइप से आपको जो है इरेज कर लेना है। ठीक है, पीछे का पार्ट जो है जो मतलब कि हैंड जो हमारे पीछे की तरफ दिखाना है। ठीक है, इतना एरिया कर देना इरेज एंड उसके बाद क्या करेंगे हम जो है अब यहाँ पर फोटो को जूम आउट करते हैं एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है सबको रिमूव मार देते हैं। ठीक है, इस तरह तक हमने इतना कर लिया है, अब इसके ओपोसिटी हम फुल कर देंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे जो हमारा मतलब अल्लूर जिनका जो पैर है वो तो गाइस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है ना, तो उसको भी आपको वहाँ से इरेज करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे होंगे बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको ये लिए मतलब एकदम अच्छे से जुगाड़ बना के लाया हूँ सब कुछ, तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिंपली ऐड फोटो में जाना है, ऐसा अल्लूर जिनका मैंने एक PNG बना रखा है। ठीक है, आप लोग जो है इसको भी डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर आपको करना है कि आपको सिंपली इसको फुल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, जैसे आप फुल स्क्रीन करोगे इसी सेम साइज़ में पहुंच जाएगा ये। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा जूम आउट जाए, थोड़ा बड़ा करना है कुछ इतना, परफेक्ट है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे करना है आपको जाना है इरेजर टूल में, इसको इन्वर्ट कर देना, ब्रश लेना। ब्रश लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पैर के पास में इस तरीके से पेंट कर देना है। ओके सो अब ठीक है, यहाँ पे हल्का सा कुछ पार्ट रह गया जो रिमूव नहीं हुआ था, मिस से रह गया हुआ, तो मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। तो आप भी इसको आपको भी इतना जो है थोड़ा बहुत रिमूव कर लेना। ठीक है, अब देखिए कैसे हमारा इतना काम यहाँ पे हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ी सी शेडो बनाएंगे। तो शेडो बनाने के लिए हम जाएंगे पहले ऐड फोटो में एंड यहाँ से एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड ऐड करेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन करेंगे यहाँ पे एंड इसे मूव डाउन कर देंगे। ठीक है, पैरों के पास एंड इसको इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट कर देंगे। ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज़ अपने अकॉर्डिंग रखेंगे एंड फोटो को जूम करेंगे एंड इस तरीके से जो है शेडो को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद हमें हम डन करेंगे एंड उसके बाद ओपेसिटी जो है थोड़ी कम कर लेंगे एंड यहाँ पे परफेक्ट है, उसके बाद कर लेंगे इसको डन। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब देखिए गाइस इसके बाद क्या करेंगे हम, थोड़ा सा टूल्स में जाएंगे, अडजस्ट में जाएंगे। अडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे एंड इसका जो है थोड़ा सा येलो टोन इस पर हम डालेंगे ऊपर की तरफ प्लस करके एंड यहाँ पे फोटो को सेव कर लेंगे एंड इसको लेकर चलेंगे लाइट रूम ऐप में। ओके सो यहाँ से लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आप लोग को फिर क्या करना है, आपको सिंपली लाइट वाले ऑप्शन में जाना है एंड अभी पहले कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, हाईलाइट जो है इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है एंड जो शेडो है इसको थोड़ा कम कर देना है, ब्लैक्स को बढ़ा देना है एंड जो वाइट है इसको भी थोड़ा बढ़ा देना है। फिर चल जाना कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड टेम्परेचर थोड़ा कम कर देना है एंड उसके बाद आपको मिक्स में चले जाना है और कलर सेलेक्ट करना है। लुमिनस यहाँ पर बढ़ा देना है एंड जो सैचुरेशन है इसको कम कर देना है एंड येलो कलर लेना है, इसका ह्यू थोड़ा माइनस कर देना है एंड जो लुमिनस है उसको बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन कम। फिर जाना आपको यहाँ पे ब्लू कलर में इसका ल्यूमिनस कम कर देना है, सैचुरेशन बढ़ा देना है। फिर कर देना आप सभी को आंसर सिंपली डन एंड उसको चले जाना है कलर ग्रेडिंग वाले पार्ट में। आपको फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना, आपको शेडो में जाना है, यहाँ से पहले सैचुरेशन बढ़ा लेना है एंड ऐसे जो है इसको ले जाना है ह्यू को येलो टोन में। फिर इसके बाद मिड टोन में जाना है, मिड टोन में भी आपको वही सेम चीज़ करनी है। ठीक है, एंड जो यहाँ पे हाईलाइट है उसमें भी आपको यही चीज़ करनी है सेम। ठीक है, सैचुरेशन बढ़ाना है एंड इसका ह्यू जो है ले जाना है येलो टोन में एंड कर देना है डन। इतना हो जाने के बाद नीचे लाइट में जाना है, फिर फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे एंड फोटो में बिगिनर डाल देंगे एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर फिगर को इंक्रीज कर देंगे एंड नीचे लाइट में जाकर फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे एंड फाइनली गाइस हमारी जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।